Good morning students and welcome to the class. Today we shall study complex sentence with non-finite clauses. Complex sentences with non-finite clauses. Finite clause. Finite clause क्या होता है पहले इसको समझते हैं फिर नॉन फिनिट पे आएंगे. फिनिट क्लॉजेस हैव फिनिट वर्ब्स. इनमें फिनिट वर्ब्स होती हैं. फिनिट वर्ब्स क्या होती हैं? फिनिट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, मूड एंड सब्जेक्ट. फिनिट वर्ब्स जो होती हैं वो टेंस, मूड और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं. जैसे दिस इज द बॉय हूज फादर इज अ डॉक्टर. ठीक है, दिस इज द बॉय हूज फादर इज द डॉक्टर. अब इज यहां पे आप देख रहे हैं ये फिनिट वर्ब है जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, टेंस पे डिपेंड करती है और मूड पे डिपेंड करती है. यहां पर भी इज है, इधर भी फादर इज अ डॉक्टर. एक फिनिट क्लॉज, सेकेंड फिनिट क्लॉज. फिनिट क्लॉज, दिस इज ऑल्सो फिनिट क्लॉज. और आपकी जो फिनिट वर्ब हुई ये है इज. फिनिट वर्ब की विशेषता होती है इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हैज अ सब्जेक्ट and a predicate. इस तरह से आपने देखा ये फिनिट क्लॉज हो गया. इसमें फिनिट वर्ब है इज. फिनिट वर्ब का अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है और वो सब्जेक्ट टेंस और मूड के मुताबिक चेंज होती है. नाउ वी सी नॉन फिनिट क्लॉज. Non-finite clause have non-finite verbs. इनमें non-finite verbs होती हैं. इनकी विशेषता होती है कि इन इस ये ना किसी टेंस में होती हैं दे डोंट हैव अ सब्जेक्ट एंड दे आर नॉट इन एनी टेंस ये आपको ध्यान रखना है. अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि फिनिट और नॉन फिनिट क्लॉज में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे. चलिए हम आपको बताते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू Thank you.
अच्छे से आपके सामने एक सेंटेंस है. वी मेट अ मैन, ठीक है. ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री. ये आपके सामने दो सेंटेंस हैं, अब इसको ज्वाइन करना है अपने को. एक तरीका, सॉरी, We met a man who was sitting under a tree. यहां पे was एक finite verb है. Who उसका subject हो गया. Sitting under a tree प्रेडिकेट हो गया. अब ये हो गया फिनिट क्लॉज, क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो फिनिट वर्ब है. चलिए इसको नॉन फिनिट बना के देखते हैं. वी मेट अ मैन सिटिंग अंडर अ ट्री. We met a man, हमें एक आदमी मिला sitting under a tree, पेड़ के नीचे बैठा हुआ. यहां सब्जेक्ट नहीं है. ये जो क्लॉज है sitting under a tree, it is non-finite clause. आप फर्क देख सकते हैं, मतलब दोनों का एक है, लेकिन एक finite clause है, एक non-finite clause है. We met a man who was sitting under a tree. हमें एक आदमी मिला जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. हमें पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक आदमी मिला. जो शब्द यहां से गायब है, इसी जो शब्द ने इसको बनाया था finite clause और complex sentence. यहां पे आपने इसको हटा दिया है. सिंपली नॉन फिनिट क्लॉज से आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं. वी मेट अ मैन सिटिंग अंडर ए ट्री. यहां पे फिनिट वर्ब नहीं है, देख रहे हैं आप. वॉज नहीं है, इज नहीं है, नथिंग. ठीक है, तो ये हो गया एक नॉन फिनिट क्लॉज. अब नॉन फिनिट क्लॉज में नॉन फिनिट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा इसको अपन समझ लेते हैं. मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके समझाती हूं, उसके बाद हम उसको इंडिविजुअली देखेंगे. पहले नॉन फिनिट वर्ब्स, तीन टाइप की होती है. इन्फिनिटिव्स फर्स्ट, दूसरा जिरंड, एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वी विल सी मेकिंग अ चार्ट. ओके, infinitives second
Jiran. And the third one is participle. मैं इसको ऊपर से ले रही हूं बिकॉज आई हैव टू राइट मोर थिंग्स हियर इन दिस कॉलम. इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना है इसलिए पार्टिसिपल को मैंने थोड़ा ऊपर से लिया. ओके, यू डोंट माइंड इट. नाउ इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव इज अ वर्ब बेसिकली बट ऑल्सो वर्क्स एज नाउन एडवर्ब एन एडजेक्टिव. वर्ब है, वर्ब के अलावा नाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ये इन्फिनिटिव्स के यूजेस हैं. वर्ब है जैसा मैंने आपको बताया, इसके अलावा इस्तेमाल इसका नाउन की तरह से होगा, एडवर्ब की तरह से होगा, एडजेक्टिव की तरह से कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले ये समझिए कि इन्फिनिटिव्स को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. कौन सा ऐसा आइडेंटिफाइंग एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे बाकी जो नॉनफिनिट वर्ब्स हैं उससे आप इन्फिनिटिव को अलग कैसे करेंगे. इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मैं एक सिंपल सी वर्ब लेती हूं जो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, दैट इज राइट. हम देखते हैं राइट किस तरह से चेंज होता है सभी सारे नॉनफिनिट वर्ब्स में. जैसे आई लाइक to write with a fountain pen. मुझे fountain pen से लिखना पसंद है. यहां पे जो to write आया है that is infinitive. आ रहा है समझ में? अब चलिए जाते हैं जिरण पे. जिरण में इसको verb noun भी कहा जा सकता है. ठीक है, इट हैज द फोर्स ऑफ अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब. ठीक है, तो इसको नाउन वर्ब कहेंगे. इन्फिनिटिव में आपने देखा बेसिकली वर्ब, पर इसको यूज नाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह से किया जाता है. ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो यू मस्ट कीप इन माइंड. ओके, इसका नाउन और वर्ब दोनों के तरीके से, मतलब इसमें दोनों का फोर्स होता है. ठीक है, अब जैसे अच्छा इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है. जैसे यहां आपने देखा इसको पहचानने का तरीका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है. वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, जैसे हम राइट ले रहे थे, राइटिंग इज माय हॉबी. ठीक है, तो ये हो गया जेरेंशियल फॉर्म. अब हम आते हैं पार्टिसिपल पे. पार्टिसिपल ये पार्टली वर्ब और पार्टली एडजेक्टिव का काम करते हैं. पार्टिसिपल्स आर पार्टली वर्ब एंड पार्टली एडजेक्टिव. आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली. आई एम क्लीनिंग इट एंड आई विल राइट इट वंस अगेन. Partly verb and partly adjective. ठीक है, adjective विशेषण. मैं I am not going to translate each and every word into Hindi. एक एक शब्द अब verb को क्रिया और noun को संज्ञा इस तरह से नहीं. आप लोग बड़े हो चुके हैं. Try to enjoy it in the true term. टू टर्म ऑफ इंग्लिश. ओके, एडजेक्टिव विशेषण आप जानते हैं अच्छी तरह से. और
ये पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये पार्टली वर्ब होते हैं और पार्टली एडजेक्टिव होते हैं. चलिए देखते हैं, मैं आपको बताऊं पार्टिसिपल्स तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. फर्स्ट वन प्रेजेंट पार्टिसिपल. कोई काम चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, यूजुअली इसमें लिए जाते हैं. जैसे वर्ब के साथ आईएनजी, यही फॉर्म इसमें लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में. जैसे राइटिंग शब्द हम लेके चल रहे हैं, लिटमस पेपर इज नॉट अ राइटिंग पेपर. लिटमस पेपर जानते हैं ना, ये राइटिंग पेपर नहीं होता. यहां पे राइटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल इसमें वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में यूज होती है. ओके, जैसे I looked at the written document carefully. Written document, verb third form. ये है past participle. Finally, perfect participle. पार्टिसिपल में कोई काम पास्ट में हो चुका है, द एक्शन इज कंप्लीटेड इन पास्ट. इसके लिए हम लगाएंगे हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, जैसे हैविंग रिटन द जजमेंट I think I won't be able to write it here. Example यहां लिखने में आपको दिखाई नहीं देगा, आप इतना समझ लीजिए कि ये having और verb का third form आएगा यहां पे. मैं इसको simply कहीं और लिखती हूं. I'll part this. Okay. ये जो एग्जाम्पल है इसका आप इधर देखेंगे. ओके, एग्जाम्पल इट इज रिटन हियर. यहां पे एग्जाम्पल देखिएगा, यहां मैं लिख देती हूं परफेक्ट पार्टिसिपल कंटिन्यूड. ठीक है, हैविंग से आपको बनाना है. Having written the sentence, sentence का मतलब यहां वाक्य से नहीं है, sentence का मतलब यहां पे निर्णय से है. Having written the sentence, the judge broke his pen. अपना sentence सजा लिखने के बाद जज ने अपना पेन तोड़ दिया. जनरली होता यह था कि जब किसी को डेथ की सजा होती थी, मृत्यु दंड होता था, तो जजेस अपना पेन कलम तोड़ दिया करते थे. तो ये आपने देखा नॉन फिनिट वर्ब्स तीन टाइप की, इन्फिनिटिव्स, जेरंड एंड पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव्स वर्ब, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह से भी इनको यूज किया जाता है. इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे मैंने बताया आई लाइक टू राइट विद अ फाउंटेन पेन. ठीक है, जेरंड में फोर्स होता है नाउन का भी और वर्ब का भी. इसमें वर्ब के साथ आईएनजी आता है, जैसे राइटिंग इज माय हॉबी,
पार्टिसिपल पार्टली वर्ब होते हैं, पार्टली एडजेक्टिव होते हैं और तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म ही रहेगा, जैसे लिटमस पेपर इज नॉट अ राइटिंग पेपर। पास्ट पार्टिसिपल जो होंगे उनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं उनमें हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ओके, अब इनको इंडिविजुअली एक बार देख लेते हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल। सबसे पहले इन्फिनिटिव्स को देखेंगे। फर्स्ट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इज अ वर्ब दैट ऑल्सो वर्क्स एज noun, adjective and adverb. I told you the structure of infinitives, that is two plus verb first form. सबसे पहले नाउन के रूप में इनको कैसे यूज किया जाता है, यूजर्स आप बल्कि यहां लिख लीजिए, यूजर्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। एक आध सेंटेंस सोचने की कोशिश कीजिए एज अ नाउन, सोचिए। नाउन के रूप में जैसे टू एव इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य की निशानी है, इसी तरह से एज एन एडजेक्टिव दिस इज no time to play. Noun, time, ये खेलने का समय नहीं है, तो time को qualify कर रहा है, मतलब play को qualify कर रहा है time, ठीक है, this is no time to play, ये हो गया adjective की तरह से। तीसरा as an adverb, जैसे वी लिव सॉरी वी ईट टू लिव, लिव टू ईट तो उल्टा हो जाएगा ना, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, यहां एडवर्ब की तरह से किया, वर्ब है ईट, क्वालिफाई कर रहा है उसको एज एन एडवर्ब। इसी के अलावा कंप्लीट सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है, टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, जैसे ट
to tell the truth, सच्चाई बताई जाए तो, tell the truth, complete sentence को qualify करेगा, he is not a good boy. ठीक है, इसके अलावा इसी में हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, टू टू का यूज और वर्सेस सो दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर सपोज टू चेंज सो दैट सेंटेंस इनटू टू टू सेंटेंस और टू टू सेंटेंस इनटू सो दैट सेंटेंस. ठीक है, जो टू टू का सेंटेंस होता है उसको सो दैट में चेंज करने के लिए या सो दैट के सेंटेंस को टू टू में चेंज करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट अ इंपॉर्टेंस. टू टू, दिस इज नॉन फिनिट एंड सो दैट इज फिनिट. ये फिनिट क्लॉज से बनेगा फिनिट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ फिनिट क्लॉज. ये नॉन फिनिट क्लॉज, इसमें बनेगा सिंपल सेंटेंस विथ नॉन फिनिट क्लॉज, और सो दैट में बनेगा फिनिट क्लॉज विथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हाउ, लेट्स सी, शैल आई वाइप इट आउट. जैसे द बॉक्स इज सो, या मैं दो अलग अलग सेंटेंसेस लेती हूं फिर दोनों से ज्वाइन करके बताती हूं, दैट विल बी मच क्लियर टू यू. द बॉक्स इज वेरी हैवी, we cannot lift it. So that se banaiye, so very ki jagah aa jayega. The box is so heavy that we cannot lift it. ये आपने बनाया complex sentence with a finite clause. ठीक है, so that लगा हुआ है इसमें. The box is so heavy, वो box इतना भारी है कि हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं. अब मैं इसको बोलूं कि आप टू टू से बनाइए, तो जहां आपने सो लगाया वहां पर टू लगा दीजिए. ओके, द बॉक्स इज too heavy to be lifted. समझ में आ रहा है? Sorry. She is very old. She cannot walk. बनाइए, कोशिश कीजिए. बहुत बूढ़ी है, चल नहीं सकती. वेरी की जगह सो लगाइए. She is so old that she cannot walk. टू से बनाइए इसको.
She is too old to walk. Understood? Yes or no? Just say something. Clear hua aapko? He is very fast. We cannot follow him. Very की जगह सो लगा दीजिए, okay? He is so fast that we cannot follow him. He is too fast to be followed. आप भी लगाएंगे तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चली जाएगी. रिमेंबर, टेंस पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया है. सो दिस वॉज योर इन्फिनिटिव. नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट नॉन फिनिट वर्ब विच इज जरंड. एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, जरंड हैज अ फोर्स ऑफ वर्ब एज वेल एज अ नाउन. जरंड में वर्ब का भी फोर्स होता है और नाउन का भी फोर्स होता है. इसको वर्ब नाउन भी बोलते हैं. It has the force of a verb. As well as a noun. Verb ing structure. अजरंड में भी द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब the complement of a preposition subject of a verb jaise reading is my hobby. Object of a verb, जैसे यहां reading जो है ये gerund. उसी तरह से object में he likes swimming. Complement of a प्रपोजिशन किसी प्रपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग.
रेफ्रिजरेंट के विभिन्न यूजर्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो वर्ब के साथ जब आप आईएनजी देखें और उसमें वर्ब और नाउन दोनों का फोर्स हो, उसे आप मानेंगे जिरन। इसके और भी और आप एग्जांपल देखें, देखना चाहें तो फाइटिंग मींस किलिंग, सीइंग इज बिलीविंग, यहां पे ये सब जेरेंशियल फॉर्म है। अब थर्ड जो लास्ट नॉन फिनिट वर्ब है, दैट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया, पार्टिसिपल्स तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट एक्सप्रेसेस द एक्शन गोइंग ऑन। Incomplete action. जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के चार्ट में वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे हियरिंग द नॉइज The child woke up. Hearing the noise. ये hearing यहां पर present participle है, आप देख रहे हैं verb के साथ ing। उसी तरह से leaning on the gate, she watch the procession गेट पे लीन करके झुक के वो प्रोसेशन को जो सामने से निकल रहा था उसको जाते हुए देख रही थी। उसी तरह से सीइंग अ घोस्ट, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ध्यान देंगे। सीइंग अ घोस्ट ही टर्न पेल, आपको क्लियर हो गया। सो दिस वॉज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कोई एक्शन जो कंप्लीट हुआ है, इट यूजुअली इंडिकेट्स completed action ठीक है। कोई एक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसको अगर आपको बताना है तो वो पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से बताया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, The scene looked very beautiful.
viewed from a distance. ये viewed verb का third form है, which is past participle. उसी तरह से he has his hair cut. Cut third form है. Notice it. उसने अपने बाल कटवा लिए. ठीक है, third form. He has his hair cut. It is past participle. और example आपको देखना है. जैसे the teacher found all the chairs broken. यहां पे ये past participle है broken. Shot by an arrow. और थर्ड फॉर्म द बर्ड फेल डेड. आपको समझ में आ गया होगा. अब तीसरे पार्टिसिपल पे हम चलते हैं, विच इज परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल it expresses a completed action in the past. A completed action in the past. भूतकाल में अगर कोई काम हो चुका है तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से हम डिनोट करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से बताते हैं. इसके लिए लगता है हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है, जैसे having witnessed the accident having witnessed the accident he reported it to police. एक्सीडेंट देखने के बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट किया. हैविंग विटनेस्ड. ठीक है, हैविंग डन आवर वर्क वी लेफ्ट फॉर होम. अपना काम खत्म करने के बाद हम अपने घर चले गए. ठीक है, यहां पे हैविंग डन. हैविंग कंप्लीटेड द टास्क ही रिलैक्स्ड. टास्क खत्म करने के बाद में उसने रिलैक्स किया. आज के पीरियड में जो चीजें आपने सीखी, आई वॉन्ट टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरीज. नॉन फिनिट क्लॉजेस, इसमें आपको केयर ये करना है, ना सब्जेक्ट होता है और ना ही ये किसी टेंस में होती है. आपने देखा
नॉन फिनिट वर्ब्स तीन टाइप की होती हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरन एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव्स में 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जिरन वर्ब के साथ आईएनजी, पार्टिसिपल तीन टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इन्फिनिटिव्स वर्ब के साथ साथ नाउन भी का काम भी करते हैं, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस। जिरण में नाउन और वर्ब दोनों का फोर्स होता है एंड पार्टिसिपल्स आर पार्टली वर्ब एंड पार्टली एडजेक्टिव। जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे, जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आप इसमें एडेप्ट होते जाएंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।